हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं वीआईपी टेक जोन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं कुछ एक अलग तरह का एक स्टेटस वीडियो दोस्तों, जिसको आप लोगों ने भी स्टार्टिंग में मेरे स्क्रीन पे इंट्रो में देखा होगा दोस्तों, जो कि फील द वेदर का स्टेटस वीडियो है, फुल स्क्रीन में है दोस्तों। तो अगर आप लोग भी कुछ इस तरह का एक बढ़िया सा ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन से क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और पूरा देखिएगा तभी आप बहुत ही आसानी से कुछ इस तरह का एक स्टेटस वीडियो क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार उससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए यार सबसे पहले हम लोग एवी प्लेयर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास एवी प्लेयर एप्लीकेशन नहीं है तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, जो मैं यूज करता हूँ प्रो वर्जन, इसी का लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप लोग इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसको हम लोग कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ऊपर में राइट साइड में इधर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो बॉक्स जैसा दिख रहा है, तो हम लोग इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो इधर हमको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा लोड फ्रॉम फाइल का, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे लोड फ्रॉम फाइल पे। उसके बाद डाउनलोड का फोल्डर हमारा ओपन हो जाएगा। तो इधर से हम लोग एक विजुअलाइजर को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जिसका लिंक आपको दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इस विजुअलाइजर को डाउनलोड कर लेना और यहाँ से ऐड कर लेना। और एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि विजुअलाइजर को डाउनलोड करने के बाद आप लोग अपने फाइल मैनेजर में जाना और वहाँ पर विजुअलाइजर को रीनेम करके सेव कर लेना। उसके बाद यहाँ पे ऐड करना, तभी ये ऐड होगा, नहीं तो नहीं ऐड होगा, क्योंकि हमारा जो एवी प्लेयर ऐप है दोस्तों न्यू वर्जन है, ठीक है। तो विजुअलाइजर को डाउनलोड करने के बाद इसका नाम चेंज करके अपने फाइल मैनेजर में सेव कर लेना। उसके बाद यहाँ से इस विजुअलाइजर को कर लेना ऐड। सो दोस्तों यहाँ पे विजुअलाइजर को हम लोग जैसे ही ऐड करेंगे तो ये इधर लास्ट वाले बॉक्स में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस लास्ट वाले बॉक्स पे हम लोग एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से एक बार ऐसे बैक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैकग्राउंड में मेरा जो विजुअलाइजर है कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। उसके बाद इधर आपको एक ऊपर में पेंसिल का आइकन मिल जाएगा, तो आप लोग इस पेंसिल पर क्लिक करना। उसके बाद दोस्तों इधर आपको ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे में एक इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना। उसके बाद फिर से इमेज पे क्लिक करना और इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कस्टम इमेज का, इमेज का यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद हम लोग पिक इमेज पे क्लिक करके अपने इमेज अपने फोल्डर से एक इमेज को ऐड कर लेंगे, जिस इमेज पे हम लोग वीडियो को क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं एक इमेज को ऐड कर लेता हूँ और इस वाली इमेज का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने इमेज को ऐड कर लिया। उसके बाद इस वाले ऑप्शन को यहाँ से क्लोज करना और इसको क्लोज करना और यहाँ से बैक कर देना। इतना करने के बाद दोस्तों जस्ट उसी के नीचे में एक और इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस वाले इमेज पे क्लिक करना। उसके बाद इधर आपको नीचे की साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लर का, तो इस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे ब्लर एनेबल्ड रहेगा, इसको आप लोग डिसेबल कर देना कुछ इस तरह से। इसको यहाँ पे अनटिक करना, उसके बाद इसको क्लोज करके यहाँ से बैक कर देना। और बैक करने के बाद दोस्तों जस्ट उसके नीचे में एक और आपको इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको उस पर नहीं क्लिक करना है। और उसके नीचे में रहेगा बार्स, तो आपको उस पर भी नहीं क्लिक करना है। और उसके नीचे में लिखा रहेगा टेक्स्ट चैनल नेम, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपीयरेंस पे क्लिक करना और इधर क्लिक करने के बाद इधर मेरे चैनल का नाम लिखा रहेगा वीआईपी टैग जॉन, तो इस पर क्लिक करना। उसके बाद फिर से मेरे चैनल के नाम के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से आप मेरे चैनल का नाम रिमूव करके आप अपना नाम या फिर अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख देना। उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज करके यहाँ से बैक कर देना। और बैक करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे ब्लर इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा उसके नीचे में, और उसके नीचे में आपको दो इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाली इमेज पे क्लिक करेंगे, या फर्स्ट वाली इमेज पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ जनरल पे क्लिक करेंगे। और जनरल पे क्लिक करने के बाद इधर आपको छोटा सा एक विजिबल का बॉक्स मिल जाएगा, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से एनेबल कर देंगे। इसको जैसे ही हम लोग टिक करते हैं, उसके बाद पहले आपको एक चीज़ दिखा देते हैं, इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से आप इसको भी क्लोज कर देते हैं और यहाँ से बैक कर देते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा प्ले कर देते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्मोक इफेक्ट आ रहा है, जो कप है ना, चाय का कप है, इसमें आप देख सकते हो चाय का या फिर कॉफ़ी का है, कुछ भी हो, यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्मोक इफेक्ट आ रहा है। तो अगर आप ये वाला स्मोक इफेक्ट नहीं लगाना चाहते हो तो इधर पेंसिल पर आ जाना, फिर से उसी स्मोक, ये जो हमारा इमेज फर्स्ट वाला है, यहाँ से ये जो जनरल का भी हम लोगों ने एनेबल किया था, इसको आप डिसेबल कर देंगे तो ये स्मोक इफेक्ट नहीं आएगा।
यहाँ से इसको इनेबल कर दोगे तो स्मोक इफेक्ट जो है आने लगेगा, ठीक है। और अगर आप कोई दूसरी फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर रहे हो उसमें कप या फिर ग्लास साइड में है, अगर आप पोजीशन सही से सेट नहीं हो रहा है स्मोक का, तो आप लोग यहाँ जनरल पे क्लिक करना, इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पोजीशन का, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो स्मोक को इधर उधर, या फर्स्ट वाली लाइन को ऐसे करोगे तो आप देख सकते हो राइट लेफ्ट हो रहा है हमारा स्मोक। तो फिलहाल के लिए मैं इधर इसी पे सेट कर देता हूँ फिर से, और यहाँ नीचे वाली लाइन को इधर उधर करोगे तो ऊपर नीचे होगा हमारा स्मोक, ठीक है। सो यहाँ पे मैं उसी पे एकदम फिट कर देता हूँ, उसके बाद इसको क्लोज करके बैक कर देंगे। और इतना करने के बाद दोस्तों जस्ट उसी के नीचे में एक और इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि सेकेंड वाला है, तो इस पर क्लिक करना और सेम उसी तरीके से जनरल पर क्लिक करना और इसको भी एनेबल कर देना। इसको एनेबल करने के बाद यहाँ से क्लोज करना, उसके बाद दोस्तों इधर आपको ऊपर की साइड में एक ब्लर इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, उसके बाद जनरल पर क्लिक करना, इधर जनरल का जो ये विजुअल का बॉक्स है इसको आप लोग टिक कर देना। इसको एनेबल करने के बाद हमारा जो पार्टिकल्स है वो शो होने लगेगा, ठीक है। सो इसको एनेबल करने के बाद इसको यहाँ से क्लोज करना और बिल्कुल बैक करके इधर आ जाना होम स्क्रीन पे। इधर आने के बाद दोस्तों आपको ऊपर की साइड में इधर लेफ्ट साइड में एक 3 डॉट मिल जाएगा, तो इस 3 डॉट पे क्लिक करना, उसके बाद लाइब्रेरी पे क्लिक करना। और दोस्तों लाइब्रेरी से आप लोग एक सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना जिस सॉन्ग पे आप लोग वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक सॉन्ग को सिलेक्ट कर लिया और इस वाले सॉन्ग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके यहाँ से ऐड कर लेना। सो यहाँ पर मैंने एक सॉन्ग को सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों। सॉन्ग को सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना, उसके बाद हम लोग यहाँ पे विजुअलाइजर पे क्लिक करेंगे। और विजुअलाइजर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ छोटा सा एक एरो का आइकन मिल जाएगा कॉर्नर में, इस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 2 सेटिंग कर लेंगे। अगर आप लोग ये 2 सेटिंग नहीं करोगे तो आपका जो स्टेटस है यार फुल स्क्रीन में सेव नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखना, और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो क्या मतलब एकदम लास्ट हो गया है, तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक सेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे वीडियो विथ पे, और वीडियो विथ पे जो भी लिखा रहेगा उसको हम लोग कुछ इस तरह से रिमूव करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1080, ठीक है। 1080 लिखेंगे। 1080 लिखने के बाद जस्ट उसी के नीचे में एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा वीडियो हाइट का, तो इस पर क्लिक करना और यहाँ पर भी जो भी लिखा रहेगा उसको रिमूव करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1920, ऊपर में 1080, नीचे में 1920, उसके बाद यहाँ से डन कर देना। और डन करने के बाद दोस्तों सबसे नीचे में इधर बिल्कुल नीचे में इधर आपको लेफ्ट साइड में एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देना। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये 100% तक प्रोसेस लेगा, उसके बाद हमारा जो वीडियो यार हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके मेरे को ये भी बताना कि वीडियो आप सबको कैसा लगा है, ठीक है। और अभी तक यार आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं यार एक और अपनी इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।